त्योहारी मौसम के बीच मेरठ में भारी संख्या में पटाखों के साथ खाने का सामान बरामद किया गया। पटाखों के साथ साथ एक साल पुराना खाने का सामान भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि त्योहार के चलते अवैध पटाखों के साथ एक्सपायरी डेट का खाने का सामान भी मार्केट में उतारे जाने की साजिश चल रही थी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम में छापेमारी की। मौके पर भारी संख्या में अवैध पटाखे और एक्सपायर्ड खाने का सामान मिला है। गोदाम का मालिक शरद गोयल और दिव्यांश गोयल मौके से फरार हैं। मेरठ के थाना सदर बाजार के केसरगंज स्थित सदर पुलिस और खाद्य विभाग ने लाखों रुपयों के पटाखों के साथ एक्सपायरी डेट का खाने का सामान पकड़ा है। पकड़े गए सामान में बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक समेत भारी संख्या में खाने का सामान मिला है। देखिए, आज थाना सदर बाजार के दाल मंडी क्षेत्र में एक अवैध पटाखा गोदाम होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान उसी गोदाम में कुछ हमें जो बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के और जो बेवरेज होते हैं ड्रिंक्स के, वो एक्सपायर्ड मिले हैं। उनकी जो डेट ऑफ वो है एक्सपायरी, वो 2022 की मिली है और काफ़ी भारी मात्रा में वो स्टोर किया गया है वहाँ पर, और कुछ मशीनें भी मिली हैं। इन सभी की जांच के लिए जो संबंधित विभाग है उनको सूचित कर दिया गया है और इसको गोदाम को सील किया जा रहा है। सील करने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये गोदाम शरद गोयल और दिव्यांश गोयल का है। गोदाम में भारी मात्रा में खाने का सामान और पटाखे रखे हुए थे, जिसका सदर बाजार के गोदाम में छापेमारी के दौरान खुलासा किया गया। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, साथ ही इलाके में मौजूद दूसरे गोदामों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।